नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत संपर्क से समर्थन उपक्रम के तहत एरोली के विधायक गणेश नायक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक, एरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक ने भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, शास्त्रीय गायक शंकर महादेवन से उनके वाशी स्थित निवास स्थान में भेंट देकर मुलाकात कर मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों की जानकारी प्रदान करते पुस्तक शंकर महादेवन और उनके परिवार को प्रदान कर मोदी सरकार के कार्यों को उन तक पहुंचाया, जहां इस दौरान शंकर महादेवन के साथ उनके पत्नी संगीता शंकर महादेवन, शंकर महादेवन के बेटे और बॉलीवुड के फेमस कंपोजर, सिंगर और एक्टर सिद्धार्थ महादेवन को भी गणेश नायक ने इस अभियान से जोड़ा। इस दौरान गणेश नायक ने कहा कि देश को गौरवान्वित करने वाले मशहूर कलाकार शंकर महादेवन को भी इस अभियान से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो गया और उन्होंने जो एक आगे चल के देश का सम्मान बढ़ाने का और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का जो एक संकल्प किया है, और वो संकल्प खाली पॉलिटिकल लोग नहीं कर सकते, तो उसमें सहभाग सभी क्षेत्र को लागू करना चाहिए। जैसे शंकर महादेव जी अपने शहर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका फोटो जब लोग फ्लैग्स पे डिजिटल देखते तो लोगों को प्राउड फील हो जाता है। सद्भाग्य से हमारे परिवार का शंकर माधव जी के परिवार से लगातार मैं समझता हूँ 20 साल का हमारा परिचय है, ज़्यादा ही है, ज़्यादा हम लोग दिखाते नहीं, लेकिन अच्छे विचारधारा के सपोर्टर शंकर माधव जी अच्छे रहे हैं। आगे चल के अपने शहर में इतने बड़े व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तित्व रहते हैं, तो अभी साहित्य में तो बहुत सारे लोग हैं, उनका भी मेरा परिचय अध्यात्म के लोगों का, लेकिन शास्त्रीय संगीत में शंकर माधव जी ने जो लेवल पार किया है वो हिंदुस्तान के चंद लोगों को वो नसीब मिला है। हिंदुस्तान का हर राजनीति, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र का जो लीडर है वो शंकर माधव जी के गुणों को हमेशा तारीफ करता है। ओके, तो हालांकि मैं, संजू नायक, संदीप नायक, सागर नायक, हम लोगों का शंकर माधव जी के परिवार से अपनेपन का रिश्ता है, जो भी उनसे अटैच होते हैं उनको संपन्न करने में शंकर माधव जी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को मिलके, मोदी जी की किताबें में भी उनको मैंने दी, और आगे चल के जो देश का सम्मान और देश की शक्ति बढ़ने वाली है उसमें शंकर माधव जी के जैसे महान कलाकार का हाथ-भार होना जरूरत है, इसलिए वो कड़ी में भी और उनके परिवार का सम्मान करने के लिए भी, मतलब दो एंगल से मैं आया हूँ। वही शंकर महादेवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे फाइनेस्ट और ग्रेट लीडर की उपमा देते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर अभिमान है। नरेंद्र मोदी जी 9 साल बेमिसाल, क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यों के बारे में? हम क्या बोलेंगे, मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स दैट वी हैव हैड एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड यू नो आई एम प्राउड टू बी कनेक्टेड एंड विशिंग एवरीबडी 75 ईयर्स ऑफ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आज़ादी की अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबके सुर निरागज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।